हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रेड मटन पुलाव, जिसके लिए हमने 250 ग्राम मटन ले लिया है, एक टमाटो, दो मीडियम साइज के कांदे बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, तीन तेज पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स, गरम मसाले में हमने 6 से 7 लाल अखी मिर्च, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 फूल, 10 से 15 काली मिर्च, शाहजीरा, 4 से 5 लौंग, और पीसेंगे हम लाल मिर्च। जो अखी लाल मिर्च लिए हम उसका पेस्ट बनाने वाले हैं। 2 इलायची, 3 से 4 काली मिरी, शाहजीरा और 1 से 2 लौंग को हम पीस लेंगे। साथ में उसके हम सौंफ और अखा धनिया भी पीसेंगे, और ये जो है वो हम खड़ा यूज़ करेंगे, और इतना जो पार्ट है उसे हम पीस लेंगे। अदरक और लहसुन के साथ हमें पीसना है। इसमें हमने 1 गाँट लहसुन और 50 ग्राम अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है जिसे हम कट करके डालेंगे, और चावल। अब हम मसाले को पीस लेंगे, जिसमें हमने अदरक लहसुन अखी लाल मिर्च और जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था वो भी डाल लेंगे। और अब हम मसाले का पेस्ट बना लेंगे। हम कुकर को गरम कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे, और अब हम उसमें प्याज कट की हुई, तेजपत्ता और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब हम इसे सुनहरी होने तक भून लेंगे। हमारी प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला अखा जो है वो डालेंगे। अब हम इसमें अखा धनिया और सौंफ डालेंगे। अब हम इसमें जो मटन हमने धो लिया है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे, हमें सिर्फ गोश्त के हिसाब से नमक डालना है। ताकि नमक गोश्त में भी अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसमें आलू डालेंगे। हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था, लाल मिर्ची अदरक लहसुन का, वो डाल लेंगे।
कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। कटे हुए टमाटर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्स भी कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि पूरा मसाला जो है वो पक जाए। इसमें हमने लगभग पाव ग्लास पानी ऐड किया है। पाव ग्लास आप पानी ऐड कर ले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले, ताकि मसाला भी भून जाए और वो मसाला जो मटन और बाकी सब है उसमें मिक्स भी हो जाए अच्छी तरह से। अब हम इसे पकने देंगे तेल छूटने तक। अब देखिए हमारा मसाला जो कि भून चुका है और उसमें तेल भी छूटने लगा है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चावल डाल लेंगे, इसे हमने धो लिया है और हम उसे डाल लेंगे। अब हम चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे कम से कम एक मिनट तक भून लेंगे, ताकि चावल भी अच्छी तरह से भून जाए, जिससे क्या होगा आपके चावल जो है वो टूटेंगे नहीं। और अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल लेंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम इसमें चावल के हिसाब से नमक भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे चावल दम हो जाएंगे। चावल के हिसाब से आप पानी डाल लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसका कुकर भी लगा लेंगे, ताकि ये सीटी, दो सीटी हमें देना है इसे। हमारी दो सीटी हो चुकी है, अब हम उसका सीटी की गैस निकाल लेंगे। हमने इसे दो सीटी बजने के बाद गैस बंद कर दिया था और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही गैस अंदर रहने दिया था। अब 10 मिनट बाद हम गैस निकाल रहे हैं। गैस पूरी तरह से निकल चुका है और हमारा पुलाव भी पककर रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा पुलाव रेडी हो गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
पुलाव को सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा पुलाव जो के रेडी हो चुका है बन के अच्छी तरह से। ये हमने खड़े गरम मसाले में और अक्खी लाल मिर्च की पीस कर बनाया है रेड पुलाव। अगर आपको मेरा ये पुलाव पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे डिश को ट्राई भी ज़रूर करें। Thank you.